हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विदस फूड। आज हम बनाएंगे पालक पनीर। पालक पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पालक के पत्ते लिए हैं। इसे अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे। तो मैंने इसे धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। अब इसे अच्छे से रफली चॉप कर लेंगे। अब एक पैन में हम ऑयल लेंगे। ऑयल जैसे गरम हो जाए, इसमें थोड़े से गरम मसाले ऐड करेंगे। गरम मसाले ऐड करने के बाद एक हरी मिर्ची, इसी के साथ थोड़े से लहसुन। लहसुन जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हो जाए, अब इसमें रफली चॉप कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे जब तक थोड़ा सा प्याज सॉफ्ट ना हो जाए। हमें यहाँ पे प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। प्याज जैसे ही थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बड़ा सा टमाटर ऐड कर रही हूँ इसमें। इसी के साथ ही थोड़े से काजू, और इन सभी को सॉफ्ट होने तक का फ्राई कर लेंगे। जब टमाटर अच्छे से गल जाए, अब इसमें कटा हुआ पालक ऐड करेंगे। और पालक को मसालों के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। पालक को जब मसालों में फ्राई करेंगे तो पालक अपना पानी छोड़ने लगता है। पालक और मसालों को अच्छे से फ्राई करने के बाद इसे ठंडा करके अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे और इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब एक पैन में हम ऑयल लेंगे और इसमें पनीर को फ्राई कर लेंगे। आप इसकी जगह कच्चा पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पनीर को फ्राई करके ले रही हूँ और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। पनीर जब हल्का सा फ्राई हो जाए, अब इसे निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हम तेल गरम करेंगे। जब तेल गरम हो जाए, हाफ चम्मच जीरा और हाफ चम्मच धनिया ऐड करेंगे। जीरा और धनिया ऐड करने के बाद इसे कम आंच में थोड़ा सा चला लेंगे। और थोड़ा सा हल्दी और लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे और मसालों को कम आंच में ही फ्राई करेंगे। मसाले को फ्राई करने के बाद इसमें हमने जो पेस्ट तैयार कर रखा था उसे इसे मिला लेंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। जब पालक में उबाल आ जाए, तब इसमें फ्राई करके रखा हुआ पनीर भी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे सारे फ्राइड किए हुए पनीर को ऐड कर लिया है और इसे भी पनीर के पालक के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसी के साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्रीम ऐड करूँगी। इसे पालक पनीर में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। क्रीम की जगह आप इसमें घर की रखी हुई मलाई भी ऐड कर सकते हैं और इसे पालक पनीर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं पालक पनीर में थोड़ा सा चीनी ऐड करूंगी जिससे इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। और हमने यहाँ पे नमक ऐड नहीं किया है इसलिए इसमें स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर लेंगे। अभी पालक पनीर बनकर तैयार है। अब इसमें लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब हमारी पालक पनीर बनकर तैयार है। अगर आपको पालक पनीर की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।